नमस्कार दोस्तों, आधार ICS एकेडमी के YouTube चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। लास्ट वीडियो में हमने झारखंड SSC CGL के सिलेबस को डिस्कस किया था, एग्ज़ाम पैटर्न, एग्ज़ाम डेट, उसके नोटिफिकेशन में जो चीज़ें थी उसमें मेन चीज़ें इन ब्रीफ आपको बताई थी। आज हम बात करेंगे सामान्य ज्ञान के जर्नलिस्ट, जो सामान्य ज्ञान का जो थर्ड पेपर है उसके प्रैक्टिस सेट हम आपको अवेलेबल करा रहे हैं आज से अपने चैनल पर। इन प्रैक्टिस सेट्स के माध्यम से आप क्वेश्चन के लेवल को समझ सकते हैं कि एग्जामिनेशन के अंदर आपसे किस लेवल के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, इसी के आसपास आप अपनी तैयारी शुरू कर सकते हैं। तो जो मेन चीज़ें थी वो हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस की हुई है, अगर किसी ने ना देखा हो तो वहाँ से जाके देख सकता है। आज हम शुरू करते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 1 फॉर द एग्ज़ाम ऑफ झारखंड SSC CGL। चलिए देखते हैं इसमें पहला क्वेश्चन, सामान्य अध्ययन के पोर्शन से जो कि 30 क्वेश्चन कल आपको बताए थे हमने। पहला क्वेश्चन है कि मलेशिया की राजधानी कहाँ है। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा सी, क्वालालंपुर। किस देश के साथ भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा है। चार ऑप्शंस हैं, भूटान, नेपाल, बांग्लादेश और पाकिस्तान। इसका जो सही आंसर है वो है सी, बांग्लादेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, IMF के अनुसार किस देश में 2023 में वैश्विक विकास में 15% का योगदान करने की क्षमता है। दोबारा सुनिए, IMF के अनुसार किस देश में 2023 में वैश्विक विकास में 15% योगदान करने की क्षमता है। चीन, फ्रांस, ब्राज़ील या भारत। इसका जो सही आंसर है वो है डी, भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2023 में भारत का रैंक क्या है, 26वां, 42वां, 32वां या 55वां। इसका जो सही आंसर है वो है बी, 42वां। इसके बाद है बारला चिति लिपि का विकास लोका बोधरा ने किस भाषा से किया, मुंडारी, कुड़ुक, कुरमाली या हो। तो इसका जो सही आंसर है वो है डी, हो। इसमें आप देख रहे हैं कि करंट अफेयर्स से क्वेश्चन भी इन्होंने जनरल स्टडीज में शामिल किए हैं। करंट अफेयर्स के साथ हिस्ट्री के भी क्वेश्चंस हो सकते हैं, पॉलिटी के भी हो सकते हैं, तो काफ़ी ज़्यादा वाइड एरिया है। अगर आप केवल करंट अफेयर्स भी करते हैं, आप इतना समझिए कि हर पोर्शन में आपको एवरेज 50-60% क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, इतना तो आप मिनिमम मानकर चलिए आपको करना है। जो सब्जेक्ट आपने लाइफ में कभी नहीं पढ़ा, ऐसा कर सकते हैं कि उसको आप बिल्कुल छोड़ दें। जिन पे आपके कमांड अच्छे हैं उन सब्जेक्ट्स पे आप ज़्यादा मेहनत करें। तो इस तरह से कुछ स्ट्रेटेजी आपको बनानी पड़ेगी अपने एग्ज़ाम्स के लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 12 जनवरी 2022 को मनाए गए राष्ट्रीय युवा दिवस के इस वर्ष की थीम क्या थी। इट्स ऑल अबाउट यूथ, यूथ्स माइंड, इट्स ऑल इन द माइंड, इग्नाइटेड माइंड। तो इसका जो सही आंसर है वो है सी, इट्स ऑल इन द माइंड, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, गीत गोविंद के रचयिता, बहुत फेमस पुस्तक है गीत गोविंद के रचयिता के बारे में आपसे पूछ रहा है विद्यापति, जयदेव, वेदव्यास या विष्णु शर्मा। इसका जो राइट आंसर है वो है बी, जयदेव। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसने दीन ए इलाही आरंभ किया था, जहांगीर, अकबर, बाबर, हुमायूं। तो इसका जो सही आंसर है वो होगा सी, अकबर। भारतीय अशांति का जनक किसे समझा जाता है, लाल लाजपत राय, अरविंद घोष, विपिन चंद्र पाल या बाल गंगाधर तिलक। इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा डी, बाल गंगाधर तिलक। नेक्स्ट, लॉर्ड कर्जन के वायस राय होने के दौरान निम्न में से कौन सी घटना नहीं घटी, बंगाल विभाजन, पुरातत्व विभाग की स्थापना, द्वितीय दिल्ली दरबार या भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन। इसका जो सही आंसर है वो है डी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन, जो कि 1885 में सर ए ओ ह्यूम के द्वारा किया गया था। लॉर्ड डफरिन इस समय गवर्नर जनरल थे भारत के। नेक्स्ट क्वेश्चन, महात्मा गांधी के बारे में निम्नलिखित में से क्या सही नहीं है, गांधी साधनों की पवित्रता में विश्वास करते थे, गांधी जी ने धर्म और राजनीति के बीच निकट संबंध का समर्थन किया, गांधी जी ने राजनीति को धर्म से पूरी तरह अलग रखने की वकालत की, गांधी जी अहिंसा में विश्वास करते थे। तो इसका सही आंसर है वो है सी,
कि गांधी जी ने राजनीति को धर्म से पूरी तरह अलग रखने की वकालत की, यह सही नहीं है। नेक्स्ट, भारतीय वोकल म्यूजिक का प्राचीन रूप है ठुमरी, गजल, ध्रुपद या इनमें से कोई नहीं। इसका जो सही आंसर है वो है ध्रुपद। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के किस राज्य में सबसे लंबी मुख्य भूमि तट रेखा है, केरल, गुजरात, उड़ीसा या महाराष्ट्र। इसका जो आंसर है वो है बी, गुजरात। तो इस पे आप देख रहे हैं कि जनरल स्टडी के अंदर सभी सब्जेक्ट्स के कुछ से क्वेश्चन टिकअप किए गए हैं, लेकिन क्वेश्चन ज़्यादा टफ नहीं हैं, नॉर्मल क्वेश्चन हैं, तो ज़्यादा टफ एग्जामिनेशन में ये चीज़ें नहीं आएंगी। एक जनरल अवेयरनेस, एक नॉलेज आपको इस एग्ज़ाम में इन सब्जेक्ट्स के बारे में होने की डिमांड की गई है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पर्वतीय स्लोपों पर मृदा अपरदन को किस प्रकार नियंत्रित किया जा सकता है, वन रोपण, सोपान कृषि, पट्टीदार खेती, समोच्च रेखीय जुताई। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा डी, समोच्च रेखीय जुताई। नेक्स्ट, गहिरमाथा अभयारण्य ओडिशा में के लिए एकमात्र अभयारण्य है, किसके लिए एकमात्र अभयारण्य है, गहिरमाथा, मगरमच्छ, कछुआ, हाथी या हिरण। इसका जो सही आंसर है वो है बी, कछुआ। नेक्स्ट, भारत में गेहूं का सबसे अधिक उत्पादन करने वाला राज्य है, पंजाब, यूपी, एमपी या हरियाणा। तो इसका जो राइट आंसर है वो है बी, यूपी, उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट, अम्लीय वर्षा के संदर्भ में इनमें से कौन सा कथन सत्य नहीं है, इनके जल का पीएच मान 5.6 से कम होता है, यह वायुमंडल में सल्फ्यूरिक अम्ल या नाइट्रेट अम्ल की उपस्थिति के कारण उत्पन्न होती है, अधिकतम अम्ल सशक्त कार्बोनिक अम्ल के कारण बनता है, अम्लीय वर्षा हमारे पारिस्थितिक तंत्र को प्रभावित करती है। तो इसका जो सही आंसर है वो है सी, जो सी इसका ऑप्शन है वो सही नहीं है। नेक्स्ट, कोयले से वाणिज्यिक रूप से पैदा होने वाली ऊर्जा को कहते हैं, प्रकाश ऊर्जा, गतिज ऊर्जा, ताप ऊर्जा या स्थितिज ऊर्जा। इसका जो सही आंसर है वो है सी, ताप ऊर्जा, थर्मल पावर स्टेशन के नाम आपने सुने होंगे। नेक्स्ट, जो खर्चा कर दिया गया हो और वसूल ना हो सके उसे कहते हैं परिवर्ती लागत, विकल्प लागत, निमग्न लागत या प्रचालनिक लागत। तो इसका जो सही आंसर है वो है सी, निमग्न लागत, जो कि खर्च हो चुकी और वसूल नहीं हो सकती, उसका आंसर सी, निमग्न लागत। नेक्स्ट, अंतिम उपाय का ऋणदाता कौन है, भारतीय औद्योगिक विकास बैंक, नाबार्ड, भारतीय स्टेट बैंक या भारतीय रिजर्व बैंक। इसका जो सही आंसर है वो है डी, भारतीय रिजर्व बैंक। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस क्षेत्रक को सेवा क्षेत्रक भी कहा जाता है, प्राथमिक क्षेत्रक, द्वितीय क्षेत्रक, तृतीय क्षेत्रक या चतुर्मार्गात्मक क्षेत्रक। इसका जो सही आंसर है वो है सी, तृतीय क्षेत्रक। नेक्स्ट, योजना आयोग की जगह नीति आयोग बनाया गया है, नीति का पूर्ण विस्तार क्या है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टीम इंडिया, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, न्यू इंडिया एंड टीम इंडिया। कोई भी विकल्प सही नहीं है, इसका जो सही आंसर है वो है बी, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। नेक्स्ट है, भारत की संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार कौन था, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, सर बी एन राय, श्री के एम मुंशी। इसका जो सही आंसर है वो होगा सी, सर बी एन राय। नेक्स्ट, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस भाग में सामाजिक एवं आर्थिक लोकतंत्र को सुनिश्चित किया गया है, आपात स्थिति के प्रावधान, केंद्र राज्य संबंध, राजनीति निदेशक सिद्धांत या इनमें से कोई नहीं। जो राइट आंसर होगा वो होगा सी, राज्य के नीति निदेशक तत्व, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स। अब ये क्या है, कैसे हैं, इसके लिए भी हमारे पॉलिटिक के क्लासेस के वीडियो पड़े हुए हैं हमारे चैनल पर। अगर किसी कोई भी अपने और किसी अन्य एग्ज़ाम के लिए या इसी एग्ज़ाम के लिए डिटेल में कोई सब्जेक्ट पॉलिटी, हिस्ट्री, एंशेंट हिस्ट्री स्पेशली पढ़ना चाहता है या कोई पॉलिटी की क्वेश्चन सीरीज सॉल्व करना चाहता है,
तो वो हमारे वीडियोस आपको इस हमारे चैनल पर मिल जाएंगे। नेक्स्ट, भारतीय संसद के संयुक्त सत्र की अध्यक्षता कौन करता है? राज्यसभा का सभापति, संसद का वरिष्ठतम सदस्य, लोकसभा का अध्यक्ष या भारत का राष्ट्रपति? इसका जो सही आंसर है वो है सी, लोकसभा का अध्यक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंचायत स्तर पर राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व कौन करता है? पंचायत समिति, पंचायत सेवक, BDO या CO? इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है बी, पंचायत सेवक। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे चलते हैं। पब्लिक सर्विस एथिक्स के लेखक कौन है? बानकी मून, स्मृति ईरानी, अजय माथुर या प्रभात कुमार? इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है डी, प्रभात कुमार। नेक्स्ट, 2021 में DRDO और भारतीय वायुसेना ने संयुक्त रूप से किस शहर में स्वदेशी रूप से विकसित स्मार्ट एंटी एयरफील्ड हथियार के 2 उड़ान परीक्षण किए? कोलकाता, मुंबई, अहमदाबाद, जैसलमेर? इसका जो राइट आंसर है वो है डी, जैसलमेर। नेक्स्ट क्वेश्चन, जवाहर रोजगार योजना की शुरुआत कब हुई थी? 1985, 1989, 1990 या 1992? इसका जो राइट आंसर है वो है बी, 1989। निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? झारखंड के प्रथम निर्दलीय मुख्यमंत्री मधुकोड़ा थे, अर्जुन मुंडा एवं शिबू सोरेन झारखंड के 3 बार मुख्यमंत्री बने, जोबा मांझी झारखंड की प्रथम महिला कैबिनेट मंत्री थी, इंद्र सिंह नामधारी को प्रथम बिरसा मुंडा उत्कृष्ट विधायक पुरस्कार से सम्मानित किया गया। आपसे पूछ रहा है इनमें से कौन सा स्टेटमेंट गलत है? जो डी है इसका, इंद्र सिंह नामधारी वाला, यह वाला स्टेटमेंट इसका गलत है। चलिए अब आगे चलते हैं। ये आ गया सामान्य विज्ञान का पोर्शन। इसमें विज्ञान के जो विभिन्न ब्रांचेस हैं उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस आपसे लिए जाएंगे। तो इसमें का जो क्वेश्चन है, बर्फ को बुरादे में पैक क्यों किया जाता है? जो फर्स्ट क्वेश्चन इसमें है साइंस में, क्वेश्चन नंबर 31, कि बर्फ को बुरादे में पैक क्यों किया जाता है? बुरादा बर्फ से चिपकता नहीं है, बुरादा ऊष्मा का कुचालक होता है, बुरादा ऊष्मा का सुचालक होता है, बुरादा आसानी से पिघलने नहीं देता। तो इसका जो राइट आंसर है वो है बी, बुरादा ऊष्मा का कुचालक होता है। नेक्स्ट, मरीचिका, इसे मृग मरीचिका भी बोलते हैं, मरीचिका एक उदाहरण है केवल प्रकाश के अपवर्तन का, केवल प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन का, प्रकाश के अपवर्तन और पूर्ण आंतरिक परावर्तन का, केवल प्रकाश के परीक्षण का? तो इसका जो सही आंसर है वो है सी, प्रकाश के अपवर्तन और पूर्ण आंतरिक परावर्तन का। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूर्य की किरणें किस प्रक्रिया द्वारा पृथ्वी पर पहुंचती हैं? विकिरण, चालन, संवहन या विसरण? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ए, विकिरण के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34, गुरुत्वाकर्षण नियम की परिभाषा किसने दी थी? न्यूटन, आर्किमिडीज, गैलीलियो, फैराडे? इसका जो सही आंसर है वो है ए, न्यूटन। फाउंटेन पेन किस सिद्धांत पर काम करता है? द्रवों का उच्च से निम्न विभव की ओर प्रवाह, कोशिका क्रिया, बर्नौली का सिद्धांत, द्रवों की श्यानता? तो इसका जो आंसर है वो होगा बी, कोशिका क्रिया। ठीक है, यहाँ तक कोई दुविधा किसी को हो तो बता सकते हैं आप। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्युत शक्ति की इकाई क्या है? वोल्ट, वाट, किलोवाट घंटा या एम्पियर? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है बी, वाट। नेक्स्ट, आइंस्टीन के द्रव्यमान ऊर्जा संबंध को किस समीकरण द्वारा व्यक्त किया जाता है? E=1/2mv² E=mc² E=mgh या उपयुक्त में से कोई नहीं? इसका जो सही आंसर है वो होगा बी, E=mc². नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन कुचालक नहीं है? कांच, एबोनाइट, पारा या सूखा कागज? इसका राइट आंसर है सी, पारा।
ठीक है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा लौह अयस्क है? बॉक्साइट, मैग्नेटाइट, लिग्नाइट, नाइट्राइट। इसका जो राइट आंसर है वो है बी, मैग्नेटाइट। क्वेश्चन नंबर 40। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से क्या जल की स्थायी कठोरता का कारण है? मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट, सोडियम क्लोराइड, कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम बाइकार्बोनेट। इसका जो राइट आंसर है वो है सी, कैल्शियम सल्फेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, का ब्लैंक दिया हुआ है, का तार इस्पात के तार से अधिक प्रबल होता है। किसका तार इस्पात के तार से अधिक प्रबल होता है? इसमें चार आपको ऑप्शंस आपके सामने दिए गए हैं, ऊन, कपास, जूट या नायलॉन। तो इसका जो राइट आंसर है वो है डी, नायलॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सिरके का प्रमुख घटक है? साइट्रिक एसिड, एसिटिक एसिड, लैक्टिक एसिड या नाइट्रिक एसिड। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है बी, एसिटिक एसिड। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम लार में पाया जाता है? लैक्टोज, डाइस्टेज, सुक्रोज या टाइलिन। तो इसका जो राइट आंसर है वो है डी, टाइलिन। निम्नलिखित में से किस एक जीव में पसलियों की संख्या अधिक है? मगर, सांप, रे, मत्स्य या उड्डयन स्तनपाई। इसका जो आंसर है वो है बी, सांप। नेक्स्ट, निम्न में किसको हृदय का प्रारंभिक पेसमेकर कहा जाता है? एस ए नोड, ए वी नोड, कोरेड टेंडिन या ए वी सेप्टम। इसका जो राइट आंसर है वो है ए, एस ए नोड। पक्षियों के वैज्ञानिक अध्ययन को क्या कहते हैं? लिम्नोलॉजी या हर्पेटोलॉजी या मेलांकोलॉजी या ऑनिथोलॉजी। तो इसका जो राइट आंसर है वो है डी, ऑनिथोलॉजी। नेक्स्ट, जीवन का ब्लूप्रिंट है क्या? डीएनए, आरएनए, कोशिका या केंद्रक। राइट आंसर है ए, डीएनए। निम्नलिखित जोड़ों में किसका मेल सही बैठा है? टिटनेस, बीसीजी, राजश्वा या टीबी, एटीएस, मलेरिया, क्लोरोक्वीन या स्कर्बी, थायमीन। तो इसका जो राइट आंसर है वो है सी, मलेरिया, क्लोरोक्वीन। नेक्स्ट, लोकप्रिय पेय कॉफ़ी पौधे के किस भाग से प्राप्त होती है? जड़, पत्ती, पुष्प या बीज। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है डी, बीज से। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से क्या गैर जैव निम्नीकरणीय या नॉन बायोडिग्रेडेबल अपशिष्ट है? फूल, मृत जीव जंतु, प्लास्टिक या सब्जियां। इसका जो राइट आंसर है वो है सी, प्लास्टिक। तो विज्ञान के क्वेश्चन आपके यही थे। अब सामान्य गणित, सामान्य गणित में भी आपके नंबर ऑफ क्वेश्चंस ऑफ वैरायटी, और सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि क्वेश्चंस किस किस पार्ट से सेलेक्ट किए गए हैं वो आपको खुद से सॉल्व करने हैं, और उनके आंसर्स आप हमें कमेंट के माध्यम से बताएंगे। ये पूरा पोर्शन आपके मैथमेटिक्स का दिया हुआ है, अलग अलग पार्ट से आपके क्वेश्चंस हैं। जो पार्ट आपके अच्छे हैं उनको और अच्छे आपसे आप कीजिए, और जो आपने कभी नहीं पढ़ा या जो पार्ट आपका कमज़ोर है उसे बिल्कुल छोड़ दीजिए, क्योंकि ऐसा नहीं है कि सारे क्वेश्चन एक ही चैप्टर से पूछ लिए जाएंगे। सपोज कीजिए अगर 20 चैप्टर से क्वेश्चंस आने हैं और आपके 5 चैप्टर ऐसे हैं जो आपको नहीं समझ में आते, तो बिल्कुल छोड़ दीजिए, बचे हुए 15 पर आप फोकस कीजिए, तो भी आपका काम आसानी से चल जाएगा। वही कंडीशन मेंटल एबिलिटी या तार्किक योग्यता के विषय में मैं कहूँगा कि जो पोर्शंस आपके अच्छे हैं उनकी आप प्रैक्टिस कीजिए, जो आपको बिल्कुल नहीं आता उसे बिल्कुल ज़ीरो छोड़ दीजिए। आप मेहनत भी करेंगे वहाँ पर, एग्ज़ाम में फिर कंफ्यूज भी होंगे और उनके आंसर भी आप गलत लगाएंगे। नेगेटिव मार्किंग एग्ज़ाम्स में है, तो इसलिए इन चीज़ों में थोड़ा सेलेक्टिव आपको होना होगा। तो इस चीज़ का थोड़ा सा आप ध्यान रखें, और इनके जो भी राइट आंसर्स हैं वो आप हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से कमेंट में बताइए, ठीक है। अब पोर्शन आता है अगला, कंप्यूटर। कंप्यूटर के क्वेश्चंस हैं, ये क्वेश्चन नंबर 91। यदि आप अपने पीसी की कार्य क्षमता को बेहतर करना चाहते हैं तो आपको निम्नलिखित को अपग्रेड करना होगा? सीपीयू, कीबोर्ड, मॉनिटर या इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर होगा ए, सीपीयू। नेक्स्ट, कंप्यूटर के
हर प्रमुख हिस्से से जुड़े एकीकृत सर्किट को कहा जाता है? मदरबोर्ड, सीपीयू, रोम या मॉनिटर? इसका राइट आंसर है ए, मदरबोर्ड। नेक्स्ट, बैंकिंग क्षेत्र में अधिक संख्या में चेकों का तेज निस्तारण के लिए निम्नलिखित में से कौन प्रयुक्त होता है? बारकोड रीडर, ओसीआर, एमआईसीआर या ओएमआर? तो इसका जो राइट आंसर है वो है सी, एमआईसीआर। ठीक है, नेक्स्ट, एक एचडीएमआई टाइप ए कनेक्ट में कितने पिन होते हैं? 18, 19, 25 या 20? इसका राइट आंसर है बी, 19। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा डीवीडी का पूरा नाम है? डिजिटल मूल्य डिस्क, डिजिटल बहुमुखी डिस्क, दोहरी बहुमुखी डिस्क, प्रत्यक्ष बहुमुखी डिस्क? इसका जो राइट आंसर है वो है बी, डिजिटल बहुमुखी डिस्क। नेक्स्ट, इनमें से कौन एक मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम प्रचालन तंत्र का उदाहरण नहीं है? एंड्रॉयड, बाड़ा, फेडोरा, सिम्बियन? तो इसका जो राइट आंसर है वो है सी, फेडोरा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। भाषा एक उच्च स्तरीय भाषा नहीं है, यह निम्न में से कौन सी भाषा एक उच्च स्तरीय भाषा नहीं है? पास्कल, जावा, असेंबली या सी? इसका जो राइट आंसर है वो है सी, असेंबली। नेक्स्ट, जावा को किस कंपनी ने विकसित किया था? माइक्रोसॉफ्ट, सन, नोवेल या ओरेकल? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा बी, यानी सन। नेक्स्ट, 10 लाख या 1 मिलियन बाइट लगभग होती है? गीगाबाइट, किलोबाइट, मेगाबाइट या टेराबाइट? इन इकाई वाले क्वेश्चंस को आप थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान से देखिएगा, क्योंकि एक दो क्वेश्चंस उम्मीद है इसमें से आएंगे, उस पर थोड़ा ज़्यादा फोकस आप कर सकते हैं। इसका राइट आंसर है सी, मेगाबाइट। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 100, निम्नलिखित में से किसका प्रयोग पूरे शहर के कंप्यूटरों को कनेक्ट करने के लिए किया जाता है? SAN, SAN, WAN, MAN या LAN? जो इसका राइट आंसर है वो है बी, WAN, वाइड एरिया नेटवर्क भी से बोलते हैं। नेक्स्ट, एनक्रिप्टेड डेटा को वापस उसके मूल रूप में बदलने के लिए उपयोग की जाने वाली तकनीक को क्या कहा जाता है? डिक्रिप्शन, अंशदान या सब्सक्रिप्शन, मॉड्यूलेशन या डिमॉड्यूलेशन? द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन विल बी ए, डिक्रिप्शन। नेक्स्ट, गूगल क्रोम में नए टैब को खोलने के लिए हम दबाते हैं, ये भी महत्वपूर्ण है कीवर्ड्स, इनका भी थोड़ा ध्यान रखिएगा। कंट्रोल टी, कंट्रोल एन, कंट्रोल जे और कंट्रोल ओ? द राइट आंसर इज ए, कंट्रोल टी। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा कथन गलत है? गूगल एक खोज इंजन है जो मूल रूप से लैरी पेज और सर्गेई ब्रिन द्वारा विकसित किया गया। नेक्स्ट है, बिंग माइक्रोसॉफ्ट द्वारा विकसित एक वेब ब्राउजर है। इसमें आपको पूछ रहा है कौन सा कथन गलत है, पहला गलत है, दोनों गलत हैं या कोई गलत नहीं है या दूसरा गलत है? तो इसका जो राइट आंसर है डी, कि केवल बी ऑप्शन का गलत है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा कथन गलत है? आपको ईमेल पढ़ना या भेजना समाप्त करने के बाद लॉग आउट या साइन आउट पर क्लिक करना चाहिए? ईमेल के संबंध में बीसीसी संक्षेपाक्षर ब्लैक कार्बन कोर होता है, तो इसमें कौन सा गलत है, पहला, दूसरा, दोनों या कोई भी नहीं? तो इसका भी जो आंसर होगा राइट आंसर वो होगा बी, केवल सेकंड इसमें गलत है। नेक्स्ट, मोबाइल के जरिए धनराशि के अंतरण को क्या कहते हैं? IFSC, IMPS, ATM या IFS? तो इसका जो राइट आंसर है वो आप लोग करते भी होंगे, IMPS बोलते हैं इसे। तो आंसर क्या है इसका सही, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, URL HTTP www में HTTP क्या होता है? होस्ट, डोमेन नेम, प्रोटोकॉल या डोमेन एड्रेस? इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा सी,
प्रोटोकॉल, HTTP क्या है, प्रोटोकॉल। नेक्स्ट, निम्न में से DBMS की पहचान कीजिए, MS Excel, MS Excel, MS PowerPoint, PL SQL। इसका जो राइट आंसर है वो होगा B, MS Access। यहाँ पर दोस्तों हम ज़्यादा डिस्कस कर नहीं पाएंगे क्वेश्चंस को, क्योंकि फिर आपको जब आप पढ़ेंगे ऐसे तो आपको काफ़ी ऑब्स्ट्रक्ट होना पड़ेगा, क्योंकि जर्नल स्टडी में ऐसे काफ़ी सारे पार्ट हैं जिनकी हर क्वेश्चन की डिटेल व्याख्या की जा सकती है। उसके लिए आपको जो हमारे अलग से वीडियोस हैं वहाँ आपको देखना होगा जाकर। नेक्स्ट, यदि आपका कंप्यूटर स्वतः रिबूट करता है तो संभावना है कि इसमें वायरस है, मेमोरी पर्याप्त नहीं है, बिजली का तेज करंट है, प्रिंटर नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ए, वायरस है। ठीक है, नेक्स्ट, माइक्रोसॉफ्ट द्वारा विंडोज़ को निम्नलिखित संस्करणों में से कौन सा संस्करण जारी नहीं किया गया है, विंडोज़ 10, 8, 9, 7। तो इसका जो राइट आंसर है वो है सी, विंडोज़ 9। तत्काल मैसेजिंग एप्लीकेशन जो कि विंडोज़ OS में आता है उसे क्या कहा जाता है, विंडोज़ मैसेंजर, विंडोज़ चैट, टॉक या माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन विल बी ए, विंडोज़ मैसेंजर। अब बात करते हैं दोस्तों झारखंड स्पेशल जो क्वेश्चंस हैं, जो आपसे 40 क्वेश्चन पूछे जाने हैं, उनका भी लेवल आप यहां से समझ सकते हैं कि किस लेवल के वो क्वेश्चंस होंगे जो आपसे पूछे जाएंगे, ताकि आप अपनी तैयारी को उसी के अकॉर्डिंग आप इसके आसपास पढ़ते हुए आगे जा सकते हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन जो है वो इसमें है कि झारखंड में कौन सा अरण्य प्रभाग का वृहत्तम संरक्षित अरण्य क्षेत्र है, ढालभूम, सारंडा, कोल्हान या डाल्टनगंज दक्षिण। इसका जो सही आंसर है वो बी, सारंडा। नेक्स्ट, झारखंड में निम्नलिखित में से कौन से स्थान पर बेंटोनाइट भंडार हैं, पाकुड़, साहिबगंज, कोडरमा, गिरिडीह। तो इसका जो राइट आंसर है वो है बी, साहिबगंज। नेक्स्ट, उद्योग, खान और भू विज्ञान विभाग के अनुसार झारखंड किस खनिज का एकमात्र उत्पादक है, तांबा, बॉक्साइट, आयरन, प्राइम कोकिंग कोल। तो इसका जो राइट आंसर है वो होगा डी, प्राइम कोकिंग कोल। नेक्स्ट, सिंहभूम ट्रस्ट जोन नामक विख्यात 167 किलोमीटर के आकार के महत्वपूर्ण खनिजों का भंडार ग्रह निम्न का पारगमन करता है, पूर्वी सिंहभूम, सरायकेला, खरसावा, पश्चिमी सिंहभूम, उपयुक्त सभी। तो इसका जो राइट आंसर है वो है डी, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट, झारखंड में निम्न में से कौन सा झरना गौतम धारा झरना के रूप में भी जाना जाता है, हुरुंड, हिरनी, कृष्णा या जोन्हा। तो इसका जो राइट आंसर है वो है डी, जोन्हा फॉल। नेक्स्ट, कौन युग्म सही नहीं है, गौतम फेरो एलॉय लिमिटेड रामगढ़, बिहार स्पंज आयरन चांडल, जस्ता गलन केंद्र टुंडू, हैदराबाद इंडस्ट्रीज लिमिटेड पूर्वी सिंहभूम। तो इसमें कौन सही सुमेलित नहीं है वो है डी, हैदराबाद इंडस्ट्रीज लिमिटेड। नेक्स्ट, अमृत मिशन झारखंड के किस जिले से संबंधित नहीं है, रांची, धनबाद, देवघर या दुमका। राइट आंसर है डी, दुमका। नेक्स्ट, रविन्द्रनाथ टैगोर के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है, इन्होंने उच्च शिक्षा संत कोलंबा महाविद्यालय से प्राप्त की, इनका झारखंड से गहरा संबंध था, गीतांजलि की कुछ अध्यायों की रचना इन्होंने रांची में की थी, टैगोर की पुस्तक गीतांजलि वीरभूम, मानभूम और झारखंड की प्राकृतिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि को चित्रित करती है, छोटा नागपुर की प्राकृतिक सुंदरता पर उन्होंने एक लंबी कविता कैमेलिया लिखी। तो पूछ रहा है इसमें से असत्य कथन कौन सा है, वो है बी। ठीक है, कि
इनका झारखंड से गहरा संबंध था। गीतांजलि की कुछ अध्यायों की रचना उन्होंने रांची में की थी। नेक्स्ट, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान हजारीबाग के किस नेता को छात्रों ने पुलिस हिरासत से छुड़ा लिया था? राम नारायण सिंह, सुखलाल सिंह, कृष्ण बल्लभ सहाय या सरस्वती देवी? इसका जो राइट आंसर है वो है डी, सरस्वती देवी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो असत्य कथन आपको पहचानना है, झारखंड राज्य निर्माण के समय भारत के राष्ट्रपति के आर नारायणन तथा प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी थे। झारखंड राज्य निर्माण के समय बिहार की मुख्यमंत्री राबड़ी देवी थी। 15 नवंबर 2000 को झारखंड भारत के 28वें राज्य के रूप में अस्तित्व में आया। झारखंड तिलका मांझी के जन्म दिवस के दिन अस्तित्व में आया। इन चार ऑप्शंस में जो गलत है वो है डी, झारखंड तिलका मांझी के जन्म दिवस के दिन अस्तित्व में आया। नेक्स्ट, बृहदवंशी जरासंघ अपने शत्रुओं को बंदी बनाकर कहाँ के जंगलों में छोड़ देता था? उड़ीसा, बिहार, झारखंड, नेपाल? इसका जो राइट आंसर है वो है सी, झारखंड। तिलका आंदोलन की अवधि थी 1781 से 83, 1783 से 85, 1820 से 21, 1831 से 32। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा बी, 1783 टू 85। नेक्स्ट, हो विद्रोह कब एवं कहाँ हुआ? 1805 से 1807 रांची, 1810 से 1812 संथाल परगना, 1820 से 1880 सिंहभूम। तो इसका जो राइट आंसर है वो है सी, 1820 से 1821 सिंहभूम। नेक्स्ट क्वेश्चन, आदिवासी महासभा का गठन कब हुआ? 1938, 1939, 1940 या 1950? तो इसका जो राइट आंसर है वो है ए, 1938। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1952 ईस्वी के एकीकृत बिहार विधानसभा चुनाव में झारखंड पार्टी को कितनी सीटें प्राप्त हुई? 52, 33, 32 या 28? इसका जो सही आंसर है वो है सी, 32। नेक्स्ट, छोटा नागपुर शैली की कला को किस प्रसिद्ध कलाकार द्वारा प्रोत्साहित किया गया था? हरेन ठाकुर, मुकुंद नायक, ललित मोहन राय या सुधेंदु नारायण सिंह देव? इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ए, हरेन ठाकुर। नेक्स्ट, कौन सा मंदिर भूमि और धरती के जनजातीय देवता को समर्पित है? झिंझी पहाड़ी मंदिर, भूफोर मंदिर, शक्ति मंदिर या भुवनेश्वरी मंदिर? इसका जो सही उत्तर है वो है बी, भूफोर मंदिर। नेक्स्ट, झारखंड धातु कार्य करने वाले श्रमिकों के लिए प्रसिद्ध जो शानदार डिजाइनों के सुंदर चौड़े कंगन बनाते हैं, जिन्हें कहा जाता है चूर, पानकटा, वाला या ताराकटा? तो इसका जो राइट आंसर है वो है ए, चूर। नेक्स्ट, उरांव गांव का प्रधान मुखिया कौन होता है? पाहन, मांझी, महतो, बैगा? राइट आंसर इज सी, महतो। नेक्स्ट, हो जनजाति के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? भाषा की दृष्टि से हो कोलेरियन समूह में आते हैं। इनकी भाषा हो मुंडारी ऑस्ट्रिक परिवार की है। इस जनजाति ने अपनी एक लिपि वारणचिति बनाई है। इनका मुख्य निवास स्थान पलामू है। तो इसमें से जो असत्य है स्टेटमेंट वो है डी, कि इनका निवास स्थान पलामू है। नेक्स्ट, चेरो जनजाति के विवाह के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? इनमें विवाह की दो विधियां प्रचलित हैं, ढोला तथा चढ़ा। वधुमूल को इनमें दस्तूरी या झांपी कहा जाता है। चेरो विवाह बिल्कुल हिंदू विवाह की तरह होता है या उपयुक्त सभी? तो सही सत्कथन इसमें कौन सा है? जो राइट आंसर है इसका वो है डी, सही। आपको जनजातियाँ काफ़ी सारी हैं उधर अपने इस क्षेत्र में, उनके विषय में भी आपको मेन चीज़ें पता होनी इस एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़रूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बथुड़ी जनजाति के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? ये मुख्यतः धालभूम या पूर्वी सिंहभूम के पहाड़ी श्रृंखलाओं और स्वर्ण रेखा नदी के तट पर बसे हुए हैं। धालभूम के बथुड़ी स्वयं को क्षत्रिय मानते हैं। भौतिक लक्षण के आधार पर
ये प्रोटो ऑस्ट्रेलाइट समूह में रखे जाते हैं। इसका जो राइट आंसर है वो भी है डी, इसका भी जो राइट आंसर है वह है डी, ये सभी सही हैं। अंगनई क्या है? गीत, नृत्य, चित्रकारी या इनमें से कुछ भी नहीं, अंगनई यह गीत है, यानी ऑप्शन है सही ए। जादोपटिया शैली किस जनजाति की सर्वाधिक मशहूर लोक चित्रकला शैली है? संथाल, उराव, मुंडा या हो? द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ए, संथाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, चांडी पर्व कब मनाया जाता है? माघ माह की पूर्णिमा को, कार्तिक माह की पूर्णिमा को, चैत्र माह की पूर्णिमा को या फाल्गुन माह की पूर्णिमा को? इसका सही उत्तर है ए, माघ माह की पूर्णिमा को। नेक्स्ट, सादरी, अंगिका और नागपुरी भाषाएं जो झारखंड में बोली जाती हैं वह किस भाषा परिवार से हैं? मुंडारी भाषाएं, इंडो आर्यन भाषाएं, द्रविड़ भाषाएं या मुंडा भाषाएं? इसका सही ऑप्शन है बी, इंडो आर्यन भाषाएं। नेक्स्ट, 50 गीतों की पुस्तक कुडुख डंडी की रचनाकार कौन है? देवले कुजूर, बिहारी लकड़ा, तेजू भगत, जूलियस तिग्गा? इसका राइट आंसर है बी, बिहारी लकड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मुंडाज एंड देयर कंट्री किसने लिखी? शरद चंद्र रॉय, जयपाल मुंडा, नीलकंठ मुंडा, भोगला सोरेन? इसका जो राइट आंसर है वो है ए, शरद चंद्र रॉय। नेक्स्ट क्वेश्चन, झारखंड में रजरप्पा किस नदी पर स्थित है? कारो, औरंगा, अजय, दामोदर और भैरवी? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है डी, दामोदर और भैरवी। नेक्स्ट, सिमडेगा जिले के साथ निम्न में से किस राज्य की सीमा स्पर्श करती है? बिहार, उड़ीसा, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और छत्तीसगढ़? तो इसका जो राइट आंसर है वो है डी, उड़ीसा और छत्तीसगढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन, झारखंड के किस मादरम हिमाचल के ज्वालाजा मंदिर से लाकर अखंड ज्योति स्थापित करने की मान्यता है? शक्ति मंदिर धनबाद, भुवनेश्वरी मंदिर जमशेदपुर, छिन्न मस्तिका मंदिर रामगढ़ या भद्रकाली मंदिर चतरा? इसका सही आंसर है ए, शक्ति मंदिर धनबाद। नेक्स्ट, झारखंड सरकार ने बालिकाओं के ड्रॉप आउट को रोकने के लिए कौन सी योजनाएं प्रारंभ की हैं? कल्याण मंत्री लक्ष्मी योजना, मुख्यमंत्री विद्या लक्ष्मी योजना, लाडली बेटिया योजना या इनमें से कोई नहीं? सही आंसर है बी, मुख्यमंत्री विद्या लक्ष्मी योजना। गोकुल ग्राम विकास योजना का आरंभ कब हुआ? 1 अप्रैल 2002, 5 अप्रैल 2002, 10 अप्रैल 2002 या 15 अप्रैल 2002? राइट आंसर इज ए, 1 अप्रैल 2002। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसने 2010 में राष्ट्रमंडल खेलों में स्वर्ण पदक जीता था? विशाल, बेंजामिन लकड़ा, दीपिका कुमारी, लक्ष्मी पंड्या या प्रतिमा कुमारी? इस क्वेश्चन का सही आंसर है बी, दीपिका कुमारी। नेक्स्ट, 1857 के विद्रोह के दौरान संथाल विद्रोहियों से किसने संपर्क कर उन्हें विद्रोह के लिए प्रेरित किया? टिकैत, उमराव सिंह, शेख भिखारी, पांडे गणपत राय या ठाकुर विश्वनाथ शाहदेव? इसका जो सही आंसर है वो है बी, शेख भिखारी। झारखंड आंदोलन के अग्रणी नेता दिशोम गुरु शिबू सोरेन का जन्म कब हुआ? 1935, 36, 42 या 52? राइट आंसर इज सी, 1942। नेक्स्ट, ललित मोहन राय ने 1967 में किस देश के तत्कालीन राष्ट्रपति को उनका रेखा चित्र भेजा था जिस पर उन्हें बधाई पत्र भी प्राप्त हुआ? अमेरिका, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, पाकिस्तान? तो इसका जो राइट आंसर है वो है ए, अमेरिका। नेक्स्ट, ऊर्जा गंगा जगदीशपुर हल्दिया गैस पाइपलाइन झारखंड के किस जिले से नहीं गुजरेगी? धनबाद, बोकारो, पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम? इसका राइट आंसर है डी, पश्चिमी सिंहभूम। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में गठित झारखंड ट्राइब्स एडवाइजरी काउंसिल के पदेन अध्यक्ष हैं सीपी राधाकृष्णन, हेमंत सोरेन, संजय मिश्रा या रविंद्रनाथ महतो? तो इसका जो राइट आंसर है वो है बी, हेमंत सोरेन।
नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन, सर्वजन पेंशन योजना के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? पेंशन के लाभ हेतु बीपीएल परिवार के सदस्य होने की अनिवार्यता समाप्त, राशन कार्ड की बाध्यता समाप्त, वोटर आईडी कार्ड से मिल सकेगा योजना का लाभ। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है डी। तो दोस्तों, हमने इसके 150 क्वेश्चन इस पेपर में लगभग आपके साथ डिस्कस किए हैं, जिनसे आपको ये आइडिया लग जाएगा कि आपको कौन कौन से पोर्शंस पर ज़्यादा फोकस करना है। आगामी सेट्स भी आपके सामने काफ़ी सारे आने हैं, और अगर किसी लैंग्वेज के विषय में आप कुछ जानना चाहें या पढ़ना चाहें तो वो भी आप कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। तो हमसे जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो में आपसे फिर से मुलाकात होगी। थैंक यू।